किसान भाइयों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर अनिल कुमार त्यागी और आप सबका हार्दिक स्वागत है अमेजिंग किसान चैनल में। किसान भाइयों, सबसे पहले आज आपको 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और पावन हमारे पावन पर्व रक्षाबंधन की बहुत बहुत बधाई। किसान भाइयों, हमारी एक वेबसाइट है www.amazingkisan.com। कुछ लोग किसान भाई जो हैं बार बार एक ही सवाल पूछते हैं, जो नए हमारे से जुड़ते हैं वो फिर वही सवाल पूछते हैं जिसका हम उत्तर दे चुके होते हैं। तो मैं अपनी वेबसाइट पर एक कॉलम है फ्रॉम द डेस्क ऑफ अमेजिंग किसान, फ्रॉम अमेजिंग किसान डेस्क, उस पर लगभग हर 15 दिन या एक महीने में मैं एक लेख लिखता हूँ और वो लेख जो है ना उसका विषय होता है जो हमारा आजकल कार्य हो रहा होता है बाजार। तो जो इस माह का लेख है उसका विषय है अगस्त माह में अमरूद के नए पौधों की देखभाल। किसान भाइयों, आप सबको पता है कि जून के अंत में और जुलाई के माह में बहुत जो ये पौधारोपण का समय होता है और बहुत किसानों ने नए बाग लगाए। आज 15 अगस्त है, लगभग 1.5 से 2 माह हो चुके हैं किसानों को लगाए हुए। जैसे ये मेरा जो बाग है जिसमें मैं खड़ा हूँ, खेत है, इस पेड़ को दिखाओ। ये देखिए, ये पौधारोपण हमने 25 जून को किया था, तो लगभग इसे 45 दिन हो चुके हैं लगाए हुए। अब इसमें क्या कार्य करने हैं, मैं आज उन कार्यों की चर्चा करूंगा। ये कार्य है, 6 कार्य हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं और मैं 1 by 1 आप लोगों से चर्चा करूंगा। पहला कार्य है पौधे के आसपास सफाई रखें। देखो किसान भाई, ये जो मेरा खेत है इसमें मैंने 10 by 10 पर लगाया है, यानी जो 2 लाइनों से बीच की दूरी है इस पौधे से और जो इस पौधे के बीच की दूरी है 10 फीट है, और जो इन 2 पौधों के बीच की दूरी है वो भी 10 फीट। पहला कार्य है कि आप अपने पौधे के आसपास बिल्कुल सफाई रखें। आप देखिए इसको ध्यान से देखो, ये देखिए ये पौधा है, इसके आसपास आपको सफाई रखनी है। इधर ये जो लाइन 2 लाइनों के बीच में है, थोड़ा घास था, हमने ट्रैक्टर से इसकी गुड़ाई करा दी, अभी एक बार और करा देंगे। मेरे यहाँ बारिश बहुत ज्यादा है इसलिए ज्यादा निराई गुड़ाई में नहीं करा सका, पर आप देखिए पौधे के चारों तरफ साफ है। पहला काम है इसकी सफाई करना। तो आप ये ध्यान रखें, कम से कम यहां पर 1.5 फीट चारों ओर इसके कुछ नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। अगर ये सफाई रखेंगे तो आपका पौधा हमेशा स्वस्थ होगा। दूसरा कार्य है, मैंने देखा है कुछ किसान भाई हैं जिन्होंने अपने पौधे को किसी भी लकड़ी का सहारा नहीं दिया। देखिए ये एक लकड़ी है, ये बांस की लकड़ी है, आप हो सके तो इससे थोड़ी मोटी डंडी ले और कम से कम 5 फुट की लकड़ी लगाए कि 1 फीट तो ये जमीन में चली जाएगी और इससे पौधे को सहारा देंगे आप। तो अपने पौधे को बांस की डंडी से सहारा दीजिए। अब इसमें इसको बांधेंगे कैसे, ये देखिए, इसे दिखाता हूं, इसे ध्यान से देखिए। ये मैंने सुतली ली है जो जूट की रस्सी होती है और इससे ये 8 का बनाया है, थोड़ी दूर है, पौधे पर ज्यादा दबाव नहीं है ताकि इसके तने में कोई खराबी ना हो, ये तना ना कटे, और मैंने ये 8 का निशान बनाया यहाँ पे क्रॉस करके इसको धीरे से बांध दिया है। तो पहली जो बंधाई है वो जमीन से लगभग 2 से 3 इंच ऊपर होनी चाहिए और ग्राफ्टिंग, ये जो इसकी ग्राफ्टिंग है, इस ग्राफ्टिंग से नीचे होनी चाहिए। तो ये है इसका जो है दूसरा कार्य, जो डंडी देंगे, जो ऊपर की डंडी है, ऊपर की वो है, उसको ग्राफ्टिंग से ऊपर बांधिए और जो मुख्य शाखा है उसको आप सहारा दे दीजिए। देखिए ये बंधी हुई है यहाँ पर, ये बंधी हुई है, ये मैं दिखा रहा हूं। तो इस प्रकार अगर आपने डंडी नहीं बांधी है तो डंडी बांधिए। आप देखिए ये मेरे जो सभी पौधे हैं मैंने सब में ये बांधी हुई है, ये देखिए सब में 2 डंडियां बांधी हुई हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, ये एक ये है और एक ये ऊपर है। तो ये हुआ दूसरा कार्य। किसान भाइयों, अब तीसरा पॉइंट है ग्राफ्टिंग टेप की जांच। जैसे ही आपको पौधा रोपण किए हुए यानी पौधों को लगाए हुए 30
से 45 दिन हो जाते हैं, तो 45 दिन बाद आप उनका ध्यानपूर्वक निरीक्षण करें। आइए हम करते हैं। ये जो मेरा पौधा है, ये देखिए आप, ये विनियर ग्राफ्टिंग वाला है। ये देखिए इसमें जो है ना, ये मुख्य शाखा है और ये नीचे वाला इसका बीजू पौधा है। इसको दोनों को चीर कर यहाँ से जो मुख्य शाखा है इसको इसमें इंसर्ट किया गया, लगाया गया। अब आप दो चीज ध्यान से देखिए, एक तो ये टेप है इसमें, ये टेप, और एक इसमें ये इसे बहुत टाइट किया गया है बाद में इसके रस्सी की तरह बनाकर इस टेप को। ये जो मेरे हाथ में है ये आप देखिए, ये मेरे को थोड़ा शौक है और शौक बहुत बड़ी चीज होती है। ये बेसिकली जो डॉक्टर लोग हैं वो चीरा लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और इसमें ये एक डंडी होती है जो इसका बेस है, और इसमें से ये आराम से निकल जाती है, ये ब्लेड होते हैं। तो ब्लेड ले सकते हैं आप, इसमें लगाइए ब्लेड को हर बार नया। मेरे पास नया नहीं है अभी, लेकिन मैंने इसको, और इस प्रकार ये टाइट हो जाता है, ऐसे ही इसको टाइट कर लेंगे आप, तो आपको हाथ भी कटने का खतरा नहीं रहेगा। और ये बहुत तेज होता है, बहुत शार्प होता है ये। तो थोड़ा ये पुराना था, मैंने इसको डिटॉल लगाकर इसको स्टरलाइज कर लिया। अब इसको ध्यान से देखिए, मैं इसको किस प्रकार करूंगा। जहां तक ये पौधा लगता है, ये बिल्कुल अपनी मतलब एक तरह से देखे जुड़ चुका है, लेकिन फिर भी मैं अभी 15-20 दिन इसकी टेप नहीं हटाऊंगा। तो धीरे से जो इसकी ये गांठ है, इसको धीरे से एक कट लगा दीजिए यहाँ पर, इस प्रकार ये कट लगा दिया, और ये कट लगाकर ये मैंने ढीला कर दिया। जैसे ही ये ढीला होगा तो पौधे के अंदर नहीं घुस पाएगा, और ये देखिए ये जो है ना, थोड़ा पौधे के अंदर जाने लगा था, ये तो घुस ही गया अंदर। तो ये जो हमने काटा था, नहीं ऐसे नहीं, ऐसे ही रखो। तो ये जो हमने काटा था, इसको हमने ऐसे यहां से इसको हटा दिया, ये वाला, ये बस थोड़ा खतरनाक होता है, और इसको यहां पर छोड़ दीजिए आप, इतना कर ये यहां पर छोड़ दीजिए आप इसको। अभी जो शेष टेप है, अब इसमें कोई भी टाइटनेस नहीं है ज्यादा, लेकिन ये पौधे को अभी भी जुड़ा रखेगा। तो इस प्रकार से आप अगर लगता है कि इसमें अंदर घुसने लगा है तो इनको हटा दीजिए। ये था आपका टेप की जांच। अब अगला बिंदु आता है, ये देखिए मेरा फेमस जो टूल है जिसे मैं स्टरलाइज कर लाया हूं अभी, ये मेरा कटर है, मुख्य शाखा का चुनाव। अब आप देखिए इस पौधे में ये टेप ग्राफ्टिंग से नीचे की जो शाखाएं हैं इनको आपको हटा देना है, ये इस तरह हटा दीजिए इनको सबको, जितनी भी होती है। किसान भाइयों ये बहुत ध्यानपूर्वक करना है, नीचे कोई भी शाखा नहीं चलनी चाहिए, क्योंकि बीजू पौधे में जितनी शाखाएं चलती है वो 90% एनर्जी लेती है। अब देखिए इसमें कितनी शाखाएं हैं, क्योंकि ये एक विशेष जो विनियर ग्राफ्टिंग होती है इसमें साइड से शाखाएं चलती हैं, और जो अनार की ग्राफ्टिंग होती है जो एक के ऊपर एक टेप लगाते हैं उसमें एक ही शाखा चलती है। अब हमें एक मुख्य शाखा का चुनाव करना है, और आप देखें कितनी शाखाएं हैं, इनको हम उसी प्रकार काट देंगे इस तरह से, ये देखिए इसको ये हम काट देंगे, और इस शाखा को भी काट देंगे। अब इसमें हमारे पास एक शाखा बची है, और इस शाखा को हम ध्यान से फिर करते हुए ये जो हमारी रस्सी थी इसको खोलकर, इसको ये मैंने खोल दिया, और इसको मैं अच्छी तरह से यहां से बांध दूंगा इस प्रकार। वही आपकी जो, ये देखिए इस प्रकार मैं इसको बांध दूंगा, वही आपकी जो एट के आकार की आकृति है बनानी है आपको, और बहुत टाइट नहीं बांधना है इसको। तो ये आप इसको बांध कर छोड़ देंगे, इसको ये छोड़ दीजिए हल्की सी, ये देखिए हल्की सी। अब आप देखेंगे कि ये जो मुख्य शाखा है इसमें जो नीचे वाली है एक, तो और ये भी हटा दीजिए और इसको चलने दीजिए। अब इसका कारण क्या होगा, इसकी 1-2-3 शाखाएं काटिए, जो भोजन इन शाखाओं को मिल रहा था वो इस शाखा को मिलेगा, और ये शाखा बहुत तेजी से बढ़ेगी। तो जब हम सितंबर 15 के बाद, 15 से 30 के बीच में जब इसकी पहली कटिंग करेंगे, तो हमें 2 फीट पर इसका कैनोपी बनानी है, तो हम ये करेंगे।
तो किसान भाइयों, ये था चौथा मुख्य कार्य। अब मैं आपको पांचवा एक महत्वपूर्ण कार्य और बताता हूं कि आपको इन पौधों को ध्यान से देखना। आइए देखते हैं, बाद में घूमते हैं। कुछ किसान भाइयों कहते हैं इन पौधों के ये जो कोमल पत्तियां निकल रही हैं इनको ध्यान से देखिए। देखिए, जब से हमने ये पौधा लगाया है तब से इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 निकल चुके हैं। तो ये हमें ध्यान से देखना है, इनकी जो ये पत्तियां हैं, ये महत्वपूर्ण पत्तियां, ये कहीं काली तो नहीं है? अगर ये काली हो गई है तो इसका मतलब इसमें फंगस है, और आपको इसमें प्रोपेकोनाजोल का स्प्रे तुरंत करना चाहिए। प्रोपेकोनाजोल एक सिस्टेमिक फंगिसाइड है, और उससे इनका काली पत्तियां बिल्कुल रुक जाएंगी और आगे से कोई नहीं आएगी। तो ये ध्यान रहे। और इसकी क्या पहचान होती है कि ये काली होकर और धीरे धीरे गिर जाती है, ठीक है, पौधे की बढ़वार रुकती है इससे। तो आप 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से जितना भी पानी तैयार आपको चाहिए उतना तैयार करें और इसकी तुरंत देखभाल करें। इसमें भी हम ऐसे ही हटा देंगे और इसकी भी ये एक शाखा हम हटा देंगे, तो दूसरा इसमें लगा हुआ है ये हमारा यहाँ पर, ठीक है। अब आइए अंतिम कार्य, जो छठा कार्य ये करना है। किसान भाइयों बहुत से सवाल पूछते हैं, ग्रुप में भी पूछते हैं, मुझसे व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं, तो मैं बताता हूँ कि इसमें खाद क्या दें। किसान भाइयों, जो खाद हम देंगे वो सितंबर के एंड में दें, यानी जब हमारा पौधा 3 महीने का हो जाए, उस टाइम हम इसकी एक कटिंग करेंगे जो कैनोपी बनाने के लिए होगी। उस कटिंग से पहले हम इसमें खाद दें। अब आपको कितनी खाद का इंतजाम करना है, तो जो भाई जैविक खेती कर रहे हैं उनको प्रति पौधे के लिए कम से कम 1 किलो केचुआ खाद, आधी किलो नीम की खली, आधी किलो बोन मीट मील, ये प्रति पौधे के हिसाब से आपको तैयार करना है। यानी आपके अगर 100 पौधे हैं तो आपको 50 किलो नीम की खली चाहिए, 50 किलो बोन मीट मील चाहिए, और 100 किलो आपको केचुआ खाद चाहिए। अब अगर 100 किलो खेतवा खाद है तो केचुआ खाद को हम परिष्कृत करेंगे ट्राइकोडर्मा से, जो कि जमीन में जाकर हमारे कई प्रकार की फफूंदियों को कंट्रोल करता है। तो 2 किलो ट्राइकोडर्मा प्रति 100 किलो केचुआ खाद के लिए तैयार करें। इसी प्रकार अगर आपके लिए 200 पौधे हैं तो आप इसको दुगुना कर दीजिए, 300 है तो 3 गुना कर दीजिए, 400 है तो 4 गुना कर दीजिए। अगर आप रासायनिक खेती कर रहे हैं तो प्रति पौधा 50 ग्राम DAP, 50 ग्राम पोटास, इसकी तैयारी रखें, और जितने पौधे हैं उसको इससे गुना कर दें, उतना खाद की आप तैयारी कर लें। और ये भी देखें कि आपके खेत में कितनी टंकियां लगेंगी। तो एक कई तरह के फंगिसाइड आते हैं, जिसमें एक फंगिसाइड होता है जिसमें कॉन्टैक्ट फंगिसाइड और सिस्टेमिक फंगिसाइड दोनों का मिश्रण होता है। उस मिश्रण में आपको 30 ग्राम प्रति टंकी में डालकर पौधों पर छिड़काव करना है, जिससे आपके पौधों में कोई भी फंगिसाइड। तो किसान भाइयों, आपने जो इस वर्ष नए बाग लगाए हैं उनके लिए यह थी प्रस्तुति कि इस समय आपको क्या कार्य करना चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करिए, इसे शेयर करिए, और अगर अब भी आपकी कोई जिज्ञासा हो या कोई सवाल हो तो हमें लिखें, हमें इसे देकर प्रसन्नता हो। एक बात मैं फिर कहना चाहूँगा, किसान भाइयों व्हाट्सएप ग्रुप अब बंद हो चुका है, ये टेलीग्राम पर है, और टेलीग्राम ग्रुप पर कैसे जुड़ते हैं, इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हम ने एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आप अमेजिंग किसान से जुड़ना चाहते हैं तो यह कार्य अवश्य करें, उसे देखें और फिर अमेजिंग किसान ग्रुप से जुड़ें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।